हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू तिशाज हब। तिशाज हब में आज फिर गणपति बाबा का एक नया सा व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग लेकर आ रही हूँ मैं। और कुछ दिनों में मैंने ये रियलाइज़ किया कि गणपति बाबा का व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना। तो चलिए आज भी ऐसा ही कुछ एंटरटेनिंग वाला व्लॉग बनाकर लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने। कुछ क्लिप्स थे मेरे पास कि सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में देखिए, अब गणपति बाबा को अगर लेकर आते हैं हम, हमारे सोसाइटी में पूरे 11 दिन बप्पा जी को रखते हैं, अब वो हमारे गेस्ट हो गए, अब हमारा भी फ़र्ज बनता है कि पूरा 11 दिन हम उन्हें अच्छे से एंटरटेन करें, उनकी अच्छे से खातिरदारी करें। तो बस एंटरटेन। तो अब जो व्लॉग रहेंगे वो फुल ऐसे ही मस्ती भरे वाले रहेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते गए सारे कुछ मेरे पास क्लिप्स है, धीरे धीरे सब लेकर आऊँगी। तो आज की जो व्लॉग है वो भी ऐसे ही है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वो है क्रिकेट का, क्रिकेट की कुछ झलकियाँ मेरे पास हैं जो कि मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और बस यही, ये झलकियाँ जब मैंने देखा तो मुझे भी पता चला, पहले तो मुझे भी इतना नहीं पता था, तब मुझे भी पता चला कि भाई हमारे सोसाइटी में भी सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे लोग भी हैं। तो आप भी देखिए, आप भी उन, मतलब उनकी क्रिकेट को देखिए, एंजॉय कीजिए, फुल एंटरटेन। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ जो भी है मेरे पास क्लिप्स, जो भी हैं वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। गुड शॉट, कम ऑन, ऐसे शाबाश। अरे फोर है। अबे तू काहे को दौड़, अरे भागो भागो भागो, मारो मारो मारो। चार बॉल में 3 रन, शाबाश शॉट। ओ क्या बात है, महेंद्र सिंह धोनी। तो देखा, आया ना मजा। ये छोटी छोटी झलकियाँ, कुछ छोटे से क्लिप्स थे मेरे पास जो मुझे लगा कि मैं अपने ब्लॉग में डालूं, अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि किस तरह हमारे सोसाइटी वाले इतना एंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली की टीम बनाते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं और बहुत मज़ा आता है। और बस यही तो होता है दोस्तों, ये जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, यही तो हमें जोड़े रखते हैं। अदरवाइज़ हम कहाँ किसी से इतना मुलाकात, कहाँ किसी से आजकल हम इतना बात करते हैं। तो ये त्यौहार ही होते हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखते हैं। ये जो रीति रिवाजें होती हैं, ये फंक्शंस होते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ हमें जोड़ कर रखते हैं, अपने नेबर्स के साथ हमें जोड़ के रखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमें जोड़ के रखते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं हमारे। तो ये सभी सदस्यों को जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। तो दोस्तों, दिशा जब में आज का जो व्लॉग है वो ये दर्शाता है कि कैसे कैसे हम अपने त्योहारों को खेल और मनोरंजन के साथ, मतलब अपने त्यौहार मनाते हैं और अपने त्यौहार को और ज़्यादा यादगार बनाते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए जाते थे, उनका अरेंजमेंट किया जाता था हमारे सोसाइटी में। कुछ बच्चों के फैंसी ड्रेस थे, ड्रामा था, और बच्चों का फैशन शो था, बच्चों के डांसेस थे। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, पप्पा ने भी एंजॉय किया होगा बहुत सारा। तो दोस्तों इसी तरह अब आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ आऊँगी। और तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।